लोग कि क्या चढ़वा रहे हो, क्या है? पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई है, गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है, भाव से। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो वो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है वो। तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी, वो भरोसा कैसे तोड़ दे? ये जो ऑपरेशन हुआ वो, उसका आंख का कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो तो क्या मैं बच जाऊंगी? वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे हैं तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। माँ क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। माँ अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा, क्यों नहीं आए भाई? हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या? हम किसको पुकार सकते हैं? हम किसको बोल सकते हैं? हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है? अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, प्रवचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय वो आ जाता है। माँ तू कहती है बच जाएंगे, वो कहता है मर जाएंगे, वो है। बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से, मां वो देवी देखा। आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है। फिर लोग गाली दें, शब्द कहें, पर वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़ कर अपनी मां को ठीक कर अगर यहां तक लेकर आए तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा, ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में। क्या नहीं दे देता है वो,
भाई जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव, क्या नहीं देता।